को कोई हड़बड़ी नहीं है, जब तक एकदम हर एक एग्रीगेट को निकालने परफेक्ट नहीं हो गया आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। हो गया? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को मेरे को कौन बना के देगा बताओ। आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है एन एन पी एफ सी फ्रॉम फॉलोइंग इन्फो। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी उसे आप एन एन पी एफ सी निकालो। आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है जी एन पी एफ सी आपको दिया हुआ है 1,00,000 का, आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000 का, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है 10,000 की, आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है एमपी दिया हुआ है 20,000 का। अब बताओ क्या करना चाहिए मेरे को इसमें? सर 1,20,000 आंसर है। क्या अपने को दिया क्या है जी एन पी? हाँ हाँ सर 80,000 सर। और अपने को निकालना क्या है एन एन पी एफ सी, तो एफ सी एफ सी सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, अपने को जाना है नेट में, तो क्या माइनस करना है डेप्रिसिएशन। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो गलत है, मुझे जो फाइंड आउट करना होता है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में देता हूँ। एन एन पी एफ सी इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो जो प्रोवाइडेड है एग्रीगेट आपको उसको लिखना होता है, आपको जी एन पी एफ सी लिखना है। अब उसे क्या माइनस करने पर आपका एन एन पी एफ सी आ जाएगा, तो ग्रॉस से नेट जाने पर, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने पर। ठीक बात है? तो आपका जी एन पी एफ सी कितना है 1,00,000 है, 1,2,3,4,5, और आपका डेप्रिसिएशन कितना है 20,000, तो आपका एन एन पी एफ सी कितना आया 80,000। कितना समझ आया ईमानदारी से बोलो, समझ कितना है? कोई भी एग्रीगेट हो आपको देखना भी है बनाना क्या है। यहाँ पर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है, फैक्टर कॉस्ट, आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया, तो ग्रॉस को ही तो नेट बनाने केवल बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस सर। अच्छा ये नोटिंग हो जाए तो बताना बेटा कि सर नोटिंग हो गई हमारी, नोटिंग हो जाए तो बताना सर नोटिंग हो गई। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, समझ आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लूं मैं? यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने और मैं भेजूंगा भी, आप ये मेरे को अभी बना के देना, ठीक है? आपको अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट एन एन पी एफ सी, एन एन पी एफ सी जब भी है इसका मतलब नेशनल इनकम है, फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम फॉलोइंग इनपुट। आपको दिया हुआ है जी डी पी एम पी, ठीक है 8,00,000, आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,00,000, आपको एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है 50,000, आपको जीएसटी दिया हुआ है 1,00,000, और आपको सब्सिडी दी हुई है 30,000। ये आपकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है और अब इससे बोल रहा है आपको एनएनपी एफसी निकालना है। तो आपको सिंपली करना ये होता है कि जो एग्रीगेट आपके पास है आप उसको ऊपर लिखो, आपके पास क्या है जीडीपी एमपी है, और आपको निकालना क्या है एनएनपी एफसी निकालने बोल रहा है। तो यहां पर ग्रॉस एंड नेट जाना है, तो मेरे को क्या करना है बताओ? ग्रॉस एंड नेट जाने के लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन करना है, माइनस करना है। नीचे साथ साथ करते जाते हैं, फॉर्मूला हमारा ये होगा ना, हमको यही करना है एनएनपीएफसी निकालना है, हमारे पास दिया क्या है जीडीपी एमपी दिया हुआ है, तो सबसे पहले ग्रॉस एंड नेट जाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी दिख देता हूँ यार मैं क्या करने वाला हूँ, डेप्रिसिएशन माइनस। फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करूंगा, डोमेस्टिक इनकम से एनएफआईए प्लस करना है,
NFIA प्लस करना। आपको एकदम दिमाग में बैठ गई बात की नहीं बैठी ये बताओ। यस है ना। और प्रोडक्ट का तो देखो प्रोडक्ट ही है, एमपी से एफसी में जाना है तो क्या करूं, अपनी कॉपी में देखो क्या करना है एमपी से एफसी में जाने के लिए बताओ। एनईटी माइनस करना है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, या तो डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे देगा या तो आपको क्या देगा जीएसटी माइनस सब्सिडी बन जाएगा। तो यहां पर आपको देखोगे तो क्वेश्चन में जीएसटी और सब्सिडी दोनों दिया है तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में आप दे देंगे क्या जीएसटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये बन गया फॉर्मूला आपका, आपको ये समझ आया कि नहीं, आप कहां से कहां पहुंचे, क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ। यस सर। तो अब बस भाई पुट कर दो, 8 लाख तुम्हारा जो है, 1 2 3 4 5 8 लाख जीडीपी एमपी है, डेप्रिसिएशन माइनस करो कितना 1 लाख का, 1 2 3 4 5 प्लस एनएफआईए करो कितना 50,000। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो निकालो, जीएसटी 1 लाख है, सब्सिडी 30,000 है, तो 1 लाख माइनस 30,000 70,000 है ना। अब इसको आप करोगे टोटल तो ये आपका कितना आ रहा है यार, बताओ कितना आ रहा है टोटल, फटाफट बताओ कितना आ रहा है, बोलो करो कितना आ रहा है बताओ मुझे। ओम कितना आ रहा है बेटा इसका टोटल, सरिता कितना आ रहा है टोटल बताओ। 8,20,000। बोलो सुन रहा हूं मैं, इधर का पूरा सॉल्व कर दो यार, ये कितना हो रहा है तुम्हारा 8 लाख, 1 2 3 4 5 माइनस 50,000 सर 1 लाख है क्या, क्या चीज ये हाँ। 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000 होगा ना, माइनस 70,000 यही हो रहा है। 8 लाख माइनस 1,20,000, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सही है 6,80,000 तुम्हारा आंसर है। आप इसकी सहसंबंध भी है नोटिंग करो, आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन में कराते ही रहूंगा जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे, आप ये क्वेश्चन नोट करो, आप ये क्वेश्चन नोट करो, लॉजिक के साथ समझो, आपको सिर्फ एग्रीगेट जो दिया है और जो निकालना उसमें कंपेयर करके देखना है कि क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो एक बार में आपको बनेगा, दिक्कत नहीं आएगी, करो इसको और हो जाए तो बताना। हो जाए तो बताना कि सर हो गया। सर थोड़ा जूम कर दो ना, स्क्रीनशॉट लेना है वाला। सर आगे करो, हो गया सर, हो गया। लो एक क्वेश्चन फटाक से मेरे को बना के दो, ये क्वेश्चन बनाओ, कैलकुलेट जी एन पी, कैलकुलेट जी एन पी एफ सी फ्रॉम फॉलोइंग, जी डी पी एम पी इज इक्वल टू 3 लाख, NFIA 2 लाख, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1 लाख, बनाओ। क्या आंसर आएगा बताओ मेरे को,
फटाफट बताना बेटा क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। रोशन क्या आंसर आएगा बेटा इसका। वरुणेश क्या आंसर आएगा। वैभव क्या आंसर आएगा। फटाफट बोलो। आपको ये करते बन रहा है कि डाउट आ रहा है। बताऊं क्या मैं कि बन जा रहा है। नो सर बन जाएगा बन जाएगा। बता क्या आया भाई आंसर। तुमको प्रोवाइडेड क्या है क्वेश्चन में। जी डी पी एम पी। तुमको पहुंचना कहाँ है। जी एन पी एफ सी। ग्रॉस का ग्रॉस है तो कोई चेंज लाना ही नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या प्लस करना। एन एफ आई ए प्लस करना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी से एफसी में जाने के लिए तुमको क्या करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। तो अब इसी को अगर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखते हो तो आपको फाइंड आउट जो करना है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो जीएनपी एफसी। अब इसमें आप कर क्या क्या रहे हो। आपका जो जीडीपी एमपी दिया हुआ है उसमें आपको एनएफआईए प्लस करना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ये जो पोर्शन है ये फाइंड आउट करना था लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू। आपको अब इक्वेशन आगे सॉल्व करना। बोलो कितना आ रहा है सर। 4 लाख आ रहा है। एग्जैक्टली 4 लाख आएगा। 3 लाख। 3 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख कितना है 4 लाख। एज सिंपल एज दैट। टफ है क्या यार ये बनाना ये बताओ मेरे को। सर बहुत इजी है। आना चाहिए ना इसकी प्रैक्टिस लगेगी। निकिता कितना बन पा रहा है बेटा। प्रथम बन रहा है। बोलो हाँ या ना। सरफराज यस सर। आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ये मेरे को बना के दो। ये बन गया होगा तो। आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं। आप मेरे को कैलकुलेट करके दो एन डी पी एफ सी फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है जी डी पी एफ सी 3 लाख का। डेप्रिसिएशन 1 लाख। एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 3 लाख। जीएसटी 1 लाख। सब्सिडी 30,000। लो बनाओ क्या आंसर है इसका। एक बार में देख के बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैं बोलो क्या आंसर आएगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। सर 2 लाख। एग्जैक्टली बात खत्म। भाई जो तुमको दिया है तुम लिख लो ना यहाँ पे। तुमको दिया क्या है जी डी पी एफ सी। ये एग्रीगेट दिया है। जो निकालना है एग्रीगेट वो है एन डी पी एफ सी। एफ सी एफ सी सेम है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है। ग्रॉस एंड नेट में जाना है। क्या माइनस करना है इसमें। डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अब इसी को इक्वेशन क्या बनाओगे तुम। NDPFC इज इक्वल टू क्या। GDPFC माइनस डेप्रिसिएशन 3 लाख माइनस 2 लाख। अरे यार माइनस 1 लाख। तो कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा 2 लाख। बोलो कोई समस्या है इसमें। नो सर। सर जूम कर दूं ना एक बार। और जूम करूं सर। स्क्रीनशॉट लेना उसके लिए बोला। हाँ हाँ जी।
सर थोड़ा नीचे सर। कभी भी याद रखना ऐसे इक्वेशन बना देना, जो प्रोवाइडेड है उसको ऊपर दिखना, जो निकालना उसको नीचे दिखना, तो उससे तुमको समझ आ जाएगा कि क्या क्या अपने को इन क्वेश्चन के फिगर्स में से अपने को लेना है। NFIA का कोई काम नहीं पड़ा, GST का कोई काम नहीं पड़ा, सब्सिडी का कोई काम नहीं पड़ा। जैसे आपको जितना क्वेश्चन में जरूरत लगेगी उतने आपको आइटम्स लेना है इसमें। क्लियर है मेरी बात आपको? आपको मेरी बातें समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। लो आखिरी बनाओ, क्लास कंक्लूड कर रहे हैं, ये बना के दो। कैलकुलेट GNPMP फ्रॉम फॉलोइंग। NNPMP 1,00,000, डेप्रिसिएशन 50,000। बोलो कर पाओगे, हाँ या ना? यस सर हो जाएगा। यस सर। क्या आया सर? डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। आपको दिया क्या है? NNPMP निकालना क्या है? GNPMP जब ग्रॉस अकाउंट में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। सर 1,50,000 आ गया। वेरी गुड, आ गया। तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा अगर नेट से ग्रॉस में जाना है। ठीक है भाई, जब ग्रॉस से नेट में जाते हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हो ना तुम, तो जब आप नेट से ग्रॉस में जाओगे उल्टा करोगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा आपका। तो आपको निकालना क्या था? GNPMP। आपको दिया क्या था? NNPMP। इसमें आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो आप नेट से वापस ग्रॉस में पहुंच जाओगे। तो 1,00,000 + 50,000, 1,50,000 आपका GNPMP आ रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, स्क्रीनशॉट दे दो। बनेगा? यस सर। अब आपको मैं 10 क्वेश्चन भेजूंगा और मैं आपको आगे तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप वो 10 के 10 बनाओगे। आपको मैं 10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, मेरे को पॉजिटिवली आप बना दोगे, है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, ये एग्रीगेट्स के कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। दैट्स इट, आज इतना करो। बाय सर, थैंक यू सर।